नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस रिपोर्ट में। और 2019 से 22 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट पेंडिंग में गया है, साथ ही साथ जिनका भी रिजल्ट जो है प्रमोटेड बताया जा रहा है, फेल बताया जा रहा है, उन सभी के लिए जो है आज एक बड़ी खबर निकल करके आई है। उससे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आज से यूनिवर्सिटी व कॉलेज जो है पूर्ण रूप से खुल जाएगी। और बीबी के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे पहले अभी पार्ट वन का जो है रिजल्ट ठीक किया जाएगा। 10 तारीख तक जो है सारी रिजल्ट्स को जो सुधार करके जो है जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है पार्ट टू का परीक्षा फॉर्म भराने का जो है बात भी चल रहा है कि जनवरी के आखिर तक जो है पार्ट टू का परीक्षा फॉर्म भरवा लिया जाए। साथ ही साथ पार्ट वन का भी परीक्षा फॉर्म भरवाने का जो है बात कहा गया 2020 से 23 सेशन वालों का। अब देखना ये रहेगा कि पहले किसकी जो है परीक्षा फॉर्म भरवाई जाती है। परीक्षा नियंत्रक ने जो है कई बातें पहले भी कही थी कि ऑफलाइन के माध्यम से जो परीक्षा फॉर्म भरवाया जाए, इसमें जो है त्रुटियां कम होती है और परीक्षा भी समय पर हो पाती है और सही से रिजल्ट भी आ पाता है। लेकिन अब आगे देखना रहेगा कि किस प्रकार से जो है परीक्षा फॉर्म भरवाया जाता है। और आपको हम ये बता देते हैं कि पार्ट टू की परीक्षा 2019 से 22 सेशन वालों की जो है सब्जेक्टिव ही ली जाएगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। और एक और सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया है उसमें ऑनर्स पेपर में आपको कितने मार्क्स आए हैं? आपको 120 नंबर से ऑनर्स पेपर में ज़्यादा है कि कम है? अगर 120 नंबर से ज़्यादा है तो आप जो है 60% ले आ चुके हैं मार्क्स। अगर कम है तो आप जो है अपने पार्ट टू के लिए जो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, उसमें जो है मार्क्स अच्छा ऑप्टेन करिए। उसके बाद जब पार्ट थ्री का जब एग्जामिनेशन आएगा तो फिर आपको जो है चार पेपर का यानी कि चार ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना पड़ता है, आप सभी को मालूम है। उसमें भी आपको जो अच्छे मार्क्स ऑप्टेन करने होंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जो है पार्ट टू पे फोकस करिए, पार्ट टू का जो अच्छा मार्क्स आना चाहिए। और पार्ट वन का जो आपका रिजल्ट खराब हो गया है, इसके लिए जो है कई सवाल जो है सामने निकल कर के आ रहे हैं, जिसमें कि जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा दी फिर भी जो है रिजल्ट में बता रहा है अनुपस्थित। इसके लिए जो है परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि जिन छात्रों का प्रैक्टिकल का अंक नहीं दिख रहा है, इनमें जो है सुधार के लिए जो है रविवार को भी वो सभी जो है काम करते रहे, ये तो बातें हैं सिर्फ, वह खुद इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक दिन के बाद जो है छात्रों का जो है अंक दिखना शुरू हो जाएगा, ये बातें कही गई है। सभी प्राचार्य से जो है बात की गई है, प्राचार्य ने जो है प्रैक्टिकल का अंक भेजा है, लेकिन कुछ में जो है रोल नंबर की गड़बड़ी है जिसमें मैच नहीं कर पा रहा है रोल नंबर, इसके वजह से जो है उनका प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर आपका जो है रिजल्ट नहीं ठीक होता है तो आपको जो है प्रिंट आउट ले लेना रहेगा इस रिजल्ट का। उसके बाद जो है जा करके अपने कॉलेज में एडमिट कार्ड के साथ और एक एप्लीकेशन के साथ जो है प्राचार्य का सिग्नेचर लेते हुए आपको जो फॉरवर्ड कराना रहेगा एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को, उसके बाद जो आपका मार्क्स ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी परीक्षा नियंत्रक जी की तरफ से यही कहना है कि अभी रिजल्ट्स को ठीक किया जा रहा है और 10 दिनों के अंदर में रिजल्ट को ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही साथ प्रमोटेड वालों के लिए भी जो है बातें कह दी गई यहाँ पे, प्रमोटेड छात्रों का रिजल्ट भी जो है दिखना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन इसके लिए जो है 3 से 4 दिन का समय, मान के चलिए 10 तारीख तक का जो है अभी फिलहाल समय जो है परीक्षा नियंत्रक ने दिया है कि 10 तारीख तक सभी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। प्रमोटेड वालों का भी रिजल्ट जो है ठीक करके जारी कर दिया जाएगा और जिनका जो है कुछ गलत है उसे भी सुधार किया जाएगा। और 10 तारीख तक आप लोग रुक जाइए, अगर नहीं सुधार होता है तो फिर आप अपने कॉलेज जाइए। हालांकि अगर आप अभी भी कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज से यही जानकारी मिलेगी कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, आपका रिजल्ट आया भी है तो अभी हमारे पास TR नहीं आया, जब TR आएगा तब हम जो है कुछ कर सकते हैं। तो ये सभी बातें रहेगी। फिलहाल अभी सारा चीज़ जो है यूनिवर्सिटी के हाथ में ही है। यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेगी, प्राचार्य से जो है अभी प्रैक्टिकल का मार्क्स मांगेगी, फिर चढ़ाएगी, फिर अपडेट करेगी। तो आपको हम यही बोलेंगे कि 10 तारीख तक आप लोग रुक जाइए और आपकी जो पार्ट टू की भी जो अपडेट्स अब आनी शुरू हो जाएगी, तो बेल आइकन को ऑन जरूर करके रखिएगा। तो आज की रिपोर्ट्स में बस इतना ही। साइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें जो है अभिभावकों के बारे में लिखी, यानी कि जो है छात्रों के गार्जियन जो है बहुत गुस्सा कर रहे हैं छात्रों के ऊपर। कई छात्र जो अपने आप को रूम में बंद कर लिए हैं और वो जो है रो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग जो है शांति बनाए रखिए, जब आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कॉलेज जा करके अपना ठीक करवा लीजिएगा। ऐसा कोई है नहीं कि ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, ये बिहार यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है जो कि अक्सर गड़बड़ होता ही होता है। तो ये तो पहली बार आपको पाला पड़ा है। खैर, आप लोग चिंता नहीं करिए, हम आपके साथ हैं। और आप लोगों को जानना है हमारा YouTube इनकम, तो चलिए हम आपको YouTube इनकम के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखिए कि कितना YouTube इनकम आता है। अच्छा, तो आप कितना कमाते हैं? हम 5 लाख रुपए कमाते हैं। 5 लाख महीना कमाते हैं? हाँ, 5 लाख महीना कमाते हैं। तो आपको अब जो आप जैसा कमाते हैं ट्रिक, आप इनको भी बता इनको बता सकते हैं ट्रिक। अच्छा, तो कब क्या कैसे कमाते हैं थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मेरा कंपनी है फ्यूचर फक, उसमें आपको 3 आदमी को लाना है, आप फिर उनको बोलना है कि वो 3 आदमी को लाए, इसके बाद आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख। चलो, मार्केटिंग वाला ही नहीं, समझ गए हम। तो ये फ्यूचर फक से जुड़ के ये भी कमा सकते हैं? हाँ, भी कमा सकते हैं। आप 5 लाख कमाते हैं? हम भी 5 लाख। तो थोड़ा सा ये देखिए, आपका जो फोन है ना, क्या कोड क्या है आपका फोन पे का? ये फंस गया। नहीं नहीं बताइए ना, थोड़ा सा चेक करते बताइए, फोन पे का कोड क्या है?
14-12 आपका कोड है, अब 5 लाख रुपए कमाते हैं ना जी, यही 5 लाख है जी। इधर देखो अकाउंट में 150 रुपया है।